आ मिले हो यूं ही। आपका निकाह दाऊद बिशारत के साथ किया जा रहा है, आपको कबूल है? मुझे तो कबूल है, इससे पूछ ले। रोब में नहीं आना है। बीवियों से डरा नहीं करते, उन्हें डरा के रखना होता है। और खबरदार मुझे मेरी इजाजत के बगैर कभी हाथ लगाया। अभी से घबरा रहे? बस तुम मुझसे ही वादा करो कि तुम अपनी और दाऊद की शादी जरूर निभाओगी। मत खत्म आजादी हमारे दाऊद भाई की। अबे आजादी औरत की खत्म होती है, लड़की का क्यों दाऊद? वैसे भाभी वो सैर वगैरह के लिए कहाँ निकल जा रहे हो? कभी कुछ नहीं सोचा। हाँ भाई अमेरिका ही जाएंगे। हाँ फिर भाभी भी तो हमारी अमेरिकन है। वैसे मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की सैर करवाने के लिए ले जाओ, हमारा मुल्क भी कोई कमीशन थोड़ी है। वैसे दाऊद भाई आप पाकिस्तान में ही रहेंगे या अमेरिका सेटल होने का प्लान है? मैं अमेरिका क्यों जाऊँगा, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं ही रहूँ। देख भाई लड़की जहाँ की होती है ना लड़के को भी वही सेटल कर रखी है, और ये तो अपनी आजमाई हुई बात है। अरे वो अपना कॉलेज का दोस्त नहीं था? नहीं वो मुबशर हुसैन। आई नो। अच्छा अच्छा वो। अरे इस्लामाबाद वाली लड़की से जिसका चक्कर था। हाँ हाँ इस्लामाबाद शिफ्ट वो गया। अच्छा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। हाँ अब बड़े शहर की लड़की छोटे शहर में कहाँ एड्रेस होती। अब भाभी अमेरिका की है तो दाऊद भाई के गरीब मुल्क में कहाँ एड्रेस होंगी। होगी यहीं एडजस्ट होगी, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये किया ना मर्द वाली बात है। मेरे ख्याल में आज रात दाऊद भाई ने ना धमकी दे मारेंगे। फिर जिंदगी भर सुकून रहेगा। जी जी यस यस। अच्छा हर बात पर तुम्हारे सामने यही करी बताओ रोब में नहीं। अच्छा बिरयानी कैसी है? मजे की है। अच्छी है ना? जी जल्दी से ख़त्म करो फिर बाकी काम ख़त्म करो, समझे? ये तो अभी से रोब डाल रहे हैं। बशारत ही बच्चों के लिए, इसमें मेरी खुशी है। अरे यार नवीद तू जो करना है करनी फातिमा के लिए, और वो तुम्हारी बेटी है। वो तो मेरा सब कुछ है किम के लिए, लेकिन मैं दाऊद के लिए कुछ करना चाह रहा था। मुझे पता है बड़ा खुददार लड़का, शायद मेरे तोहफे का बुरा ना मान जाए, तो तुम जरा देख लेना, ज्यादा नहीं है सिर्फ 50,000। यार तुम बाबूजी से बात करो। मैं बाबूजी से बात नहीं कर सकता, मैं उनके एहतराम और डर के बीच में मुझसे बात नहीं होगी उनसे, प्लीज। देखो बाबूजी नहीं मानेंगे और मुझे भी लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा यार। क्यों क्यों दाऊद मेरा बेटा नहीं है? अरे नहीं दाऊद, अगर तुम कुछ भी ना दो ना फिर भी दाऊद तुम्हारा बेटा है यार। तो फिर बात खत्म हो गई ना, मैं अपने बेटे को दिया है बस। लवी मेरे लिए रख लो, चलता हूं।
जुल्फी, मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी के साथ आना, तुमने गाड़ी भेज दी। यार ताया जी की वजह से नहीं आया, बस इसीलिए गाड़ी भेज दी। ताया जी को बताना, इतना भी बुरा नहीं है, लोग एतबार कर लेते हैं मुझ में, उधार भी दे देते। यार मैं ताया जी की सोच को नहीं बदल सकता, और इस उम्र में उनकी सोच बदलने भी नहीं वाली। मेरी बात सुनो, मैं किम को तुम्हारे अल्लाह के बाद तुम्हारे हवाले ही छोड़ के जा रहा हूँ, उसे ख्याल रख लेना और मुझे रोज रिपोर्ट करता। नवीद, ठीक नहीं कर रहे हो तुम किम के साथ। नीयत की अच्छाई अमल की बुराई को ढांप देती है मेरे दोस्त। जो मैंने सोचा है, बस दुआ करना वो अच्छा ही हो। सब ठीक हो जाएगा, खैर से जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम क्या कर रही? फोन नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पे रखा था साइड टेबल पे, सब जगह देख ली है मुझे, कब से ढूंढ रही हूँ। भाई सुरैया ने कमरे की सेटिंग चेंज की थी, यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा, मिल जाएगा। मेरा लैपटॉप भी नहीं है, जिस बैग में मेरा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट से, वो भी मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ पर गया। मैंने यहीं पर रखा था अपना फोन भी, अपना पासपोर्ट भी, अपना लैपटॉप भी, और लैपटॉप भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। सोचना भी मत। तुम्हें शौक था शादी का, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो शादी नहीं करना चाहते थे मुझसे, लेकिन पाकिस्तानी मर्द तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तुम भी वही हो। ना पसंद करते हो, नफरत करते हो, तो क्या जिन बातों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे सामने? तुम कहना क्या चाहती हो? हक जताने की गलती भी मत करता। हक तो है, शौहर हूं तुम्हारा, और तुमने खुद इस रिश्ते के लिए यहां की है। से शादी करना चाहती थी, अगर मेरी बात की इतनी अहमियत है तो इंतजार कर। ताया
ताकि शादी का तजुर्बा करके तुम वापस चली जाओ। इस तजुर्बे का आगाज हमने किया और अब आप दाऊद भाई, अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कोई छोड़ भी सकता था, टैक्सी में आना पड़ गया। अरे पैसे जाया हो, हाथ हो तो उसने बेटा चाय तो बना दो। अरे अब्बा, इन कपड़ों में चाय? अच्छा चलें, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ भाई, बशारत ने तो हद कर दी आज। 3 प्लेट कोरमा, 4 प्लेट बिरयानी, सलाद, चटनी, रायता और 4 रोगनी नान खा गए। आप मेरे भाई के निवाले गिन रहे थे? निवाले नहीं गिन रहा था, उसकी प्लेटें गिन रहा था। भाई तुम्हारे भाई का पेट नहीं है, कुआं है, मैदे का मसला चल रहा और इतना खाना। ऐसे खाना था बहुत मजे का, बहुत अच्छी वैरायटी। इकबाल बता रही थी सारा खर्चा रवीद ने उठाया। लो भाई क्या बात है, दाऊद की तो मौज हो गई, अमीर कबीर ससुर मिल गया उसको। नहीं, कोई खास लेन देन तो नहीं की, कुछ ज़रूरत के कपड़े और जेवर ही दिए और नकद तो सिर्फ 50,000 ही दिए। आजकल 50,000 की हैसियत ही क्या है। 50,000? तुम्हें किसने बताया? नवीद और बशारत भाई बात कर रहे थे। नवीद 50,000 दे रहा था दाऊद की कुछ चीज़ों के लिए, बशारत भाई तो ऐसे मना कर रहे थे जैसे 50,000 नहीं 50 लाख दे रहा हो। अरे जाहिल औरत, 50,000 रुपये नहीं दे रहे होंगे, 50,000 डॉलर दिए होंगे। कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 1.5 करोड़ रुपये। 1.5 करोड़? हाँ अल्लाह भाई, बशारत की लॉटरी निकल गई है, 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। बहुत तेज है तुम्हारे भाई और अब्बा, बहुत तेज। वैसे हमें ना हुस्न और दानियाल के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। क्या मतलब? अरे यार, एक तो तुम भोली बहुत हो, कब से इनकी तबीयत खराब है, ठंडे पसीने भी आ रहे और सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बद परहेजी करेगा तो ऐसा ही होगा ना, चूरन चटाओ ऐसे, गैस चढ़ गई होगी सीने पर। बजी सर, आप हिम्मत करें, थोड़ा उठें। दाऊद कनीज फातिमा को लेकर अपने कमरे में जाओ, ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएंगे अब्बा जी, देखें किस कदर तकलीफ में है ये। तो उस वक्त ख्याल रखना था ना, जब खाना ठूस रहा था अपने पेट में, उस वक्त तो प्लेटें भर भर के दे रही थी इसे। मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, अब सुरैया वो खाना लेके आना प्लीज। डेविड, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। कोई जरूरत नहीं है, गैस चढ़ गई है, ठीक हो जाएगा। तुम लोग जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, हम देख लेंगे। इस घर में बात का पतंगड़ बनाने की आदत है सबको। दादा जान वो पेन में है। अब्बा जी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, ईसीजी करा लेते हैं। नहीं बेटा, उठने की हिम्मत नहीं है। डेविड प्लीज टेक हिम टू द हॉस्पिटल, आई थिंक इनको हार्ट अटैक हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बेटे, आप लोग जाओ अपने कमरे में, मैं इसको देखता हूँ, ठीक हो जाएगा। बदहजमी हो गई है, 2-3 डकारे आएंगी, ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू जी हल्का हो गया सर, अल्लाह। रजिया तुम्हें अकल नहीं, सारी जिंदगी अपने शौहर का ख्याल नहीं रख सकी तुम, हमेशा ढील देती रही इसे। जाओ इलाची वाला कहवा बना के लाओ, वो पिलाता हूँ इसको, ठीक हो जाएगा। अब्बा जी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल चलना? नहीं, बेहतर है बेटा। ओह ओह
अनबिलीवेबल। अंकल बशारत की इतनी तबीयत खराब थी और तुम्हारे दादा उन्हें हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे थे। उल्टा रजिया से नाराज हो रहे थे कि वो उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। अंकल बशारत बच्चे थोड़ी हैं कि उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, वो तो उन्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। और तुम एक डॉक्टर हो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय तुम यहाँ पर बैठे हो। फातिमा, अब्बा जी को अक्सर ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरी बात नहीं मानते, वो अपनी मर्जी करते हैं। तो गलत बात है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसानी जान कितनी कीमती होती है। अब मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं। अच्छा, तो जहां तुम्हें जबरदस्ती करनी चाहिए वहां तो नहीं करता। तुम्हारे साथ कौन सी जबरदस्ती किया? इरादा तो था। खैर, आइंदा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना, समझे? तुम ऐसी कोई खूबी नहीं कि मैं अपने जज्बात तुम पर जाहिर करूं। गुड, अब अपने जज्बात को उठाकर सोफे पर तशरीफ ले जाओ और ये मत भूलना कि मैं ब्लैक बेल्ट हूं। ये मेरा कमरा है और ये मेरा बिस्तर है, अगर तुमने सोना तो जाके सोफे पर सो जाओ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी मुझे तुम्हारी चीजों पर कब्जा करने का कोई शौक नहीं है। गुड, जी ने भी ना बस मुझे ही जलील करना होता है। अब मैं के मर्दों में जाकर आपसे कहती कि इतना मुरगन खाना पराते भर कर नहीं खाना। किसने पराते भर भर के खाई है? दो दफा कोरमा लिया है और ऐसा क्या कह दिया तुम्हें अम्मा जी ने? मेरे बेटे और उसके मैडम के सामने ना मुझे लान तान करते रहे, आपसे तो उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। कितना ख्याल भी तो रखते हैं तुम्हारा। मेरा ख्याल उस वक्त तो उन्हें अपने पोते और उसके मैडम का ख्याल था, उन्हें उनके कमरे में भेजने पर तुले हुए थे, कमरे में जाओ कमरे में जाओ। चलो, तुम्हारे ही बेटे का ख्याल कर रहे थे। मुझे तो वो लड़की पहले ही पसंद नहीं थी, अब वो मेरी बहू बन गई है, उसका क्या ख्याल रखना है? वो अपना ख्याल रखने देती है किसी को? छोंक की तरह चिमट गई है मेरे पूरे खानदान को। अभी तो वो बहुत अच्छी बच्ची है, कैसे भागी भागी आई मेरी तिमारदारी के लिए और कह रही थी हॉस्पिटल ले चलो। अगर कोई और होती ना तो कहती कि ससुर को आज ही हार्ट अटैक होना था। अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हो, आप ही ना जो मुंह में आता है बोल देते। अच्छा सुनो, सागुदाने की खीर बना दो और शहद ले आना उसके साथ। भाई मुझे आराम करने दो, कल बहुत काम है। शीप, एक बात भी मेरी समझ में आई। ये सब लोग आपकी खैरियत पूछने के लिए आए, वीर भाई क्यों नहीं आए? पता नहीं। डैड, डैड, क्या हो गया? सब कुछ चोरी हो गया डेविड, सब कुछ। काल से ठीक है, ठीक है, देखते चल। ये क्या हो गया? चोरी हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश रहूं? इस फातिमा, हमारे घर में आज तक
कभी कुछ चोरी नहीं हुआ है। क्या चोरी हो गया इसका? दादाजी कुछ नहीं, आप प्लीज आराम करें। कोई आराम करने देगा तो करूंगा ना, मुश्किल से आंख लगी थी मेरी। चोरी क्या हुआ है? मेरा फोन, मेरे लैपटॉप, मेरे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तुम्हारी सब कुछ चोरी है, शुक्र अल्लाह का। मैं तो समझी कि जेवर चोरी हो गया। भाभी क्या कह रही हैं आप? उस स्टुपिड मेटल से कहीं ज्यादा कीमती मेरे लिए ये सब कुछ था। आई एम श्योर वो जो दो लड़के कमरे में आए थे ना, उन्होंने चोरी किया। नहीं नहीं, वो तो बच्चे सजाद और आतिफ थे ना। तो क्या वो चोरी नहीं कर सकते? बचपन से आ रहे हमारे घर, बरसों पुराना रिश्ता है हमारा उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं चाहती। उन दोनों को फोन करो, उनको बुलाओ यहाँ पे, उनसे पूछो उन्होंने मेरा सामान चोरी किया। डैड कहाँ है? मुझे डैड को बताना है, डैड किधर है? नवीद इस वक्त घर में नहीं है। व्हाट, कहाँ गए? उसे एक इमरजेंसी फोन आ गया था अमेरिका से, अस्पताल के काम से उसे जल्दी जाना पड़ा। तुम लोगों के निकाह के बाद ही उसकी फ्लाइट थी, इसलिए वो चला गया। क्या डैड मुझे इन्फॉर्म किए बगैर, मुझे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? उसने मुझे बता दिया था। आपको बताना जरूरी नहीं था, मुझे बताना जरूरी था। डेविड उन्हें फोन करो, उनसे पूछो वो कहां पर है। फोन ऑफ आ रहा है, फ्लाइट पे होगा ना। डैड मुझे बताए बगैर, से मिले बगैर अकेला कैसे छोड़ के जा सकते? बेटे तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा सामान मेरे पास नहीं है, मेरा फोन, लैपटॉप, पासपोर्ट, डैड चले गए हैं, मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? अरे क्या बात कर रही हो, पुलिस स्टेशन जाकर क्या करोगी? अरे बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अभी चुप हो जाए, मेरा सामान गायब है रजी, मुझे उसकी कंप्लेंट करनी है। मुझे दो लोग आए थे ना, उन्होंने मेरा सामान चोरी किया। अरे दाऊद बेटा अपनी दुल्हन को कमरे में ले जाओ, जरा इसे आराम करने दो। प्लीज फातिमा इस वक्त बहुत रात हो गई है, हम पुलिस स्टेशन कल सुबह चले जाए। मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है, समझे तुम? इस वक्त थाने में कोई नहीं होगा, सब गश्त पे निकले होंगे। किस पे निकले होंगे? तुम अच्छा तुम प्लीज कमरे में चले जाओ। अरे मेरे बेटा जाओ, सुबह देख लेंगे, फिकर मत। ताऊ भाई लेके जाए ना। क्यों कॉल कर रहे हो बार बार मुझे? उस वक्त मैंने तुम्हारे कुछ पिक्चर्स लिए हैं, कहती हो तुम व्हाट्सएप करो। मेरी तस्वीर क्यों ली तुमने?
उसकी तस्वीर लेनी थी ना, जिसके घर रिश्ता भिजवाया था। खुदा का खौफ करो, वो मेरी भाभी है। तुम्हें तो पता ही है, अम्मी अब्बू दादा जान उन सबका बहुत प्रेशर था मुझ पर। दादा जान की किसी भी बात के मैं खिलाफ नहीं जा सकता। पहले मुझे फंसा रहे थे, अब दाऊद भाई फंस गए ना। मैं तो हमेशा से तुम्हें ही चाहता हूँ। फातिमा सुकून से बैठ। सुकून से बैठ जा। मेरे डैड मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मेरा सामान चोरी हो गया। तुम कह रहे हो मैं सुकून से बैठ जा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम उन दो लड़कों को कॉल करोगे, मेरी सारी चीजें वापस चाहिए, मुझे अभी की अपनी। और अगर तुम्हें तुम्हारा सारा सामान मिल गया तो? मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगी, वापस अमेरिका चली जाऊंगी। असल में तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। निसार साहब मेरी भी जिंदगी तबाह करते थे। सही कह रहा, मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था। यहाँ के लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा कर रखते हैं। तुम उन्हें अभी बुलाओ, अभी। सब मुमकिन नहीं है, हम जो भी होगा सुबह हो। नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी, मुझे अपना सामान अभी चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ नया ले दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सामान ले नहीं सकती? मैं भी अपना फोन ले सकती हूँ, लेकिन उस फोन में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस निकल जाएगा। मैं किस मुसीबत में फंस गए? इस मुसीबत का इंतखाब तुमने खुद किया। खैर, फिलहाल तुम सुनवाने का इंतजार करो। और हाँ, लोग जैसे भी मेहमान नवाज हो रहे, तुम आराम से बैठ के सो जाए। सोशल प्रोफेशन तुम्हें नींद कहा है। जाए पप्पो, आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम कैसा होगा? कुछ भी नहीं होगा, सो जाए आप। बहुत बदचुपोनी हुई है, दुल्हन की चीजें चोरी हुई, और नवीद भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनीज फातिमा से मिल के जाते। किम शगुन बदशगुन को नहीं मानती तो क्या फर्क पड़ता है? और जहाँ तक बात रही नवीद अंकल की, तो अमेरिकन जितने इमोशनल थोड़ी होते हैं, फजूल में फिक्र कर रही हैं। सो जाएं बस। फूफी तो नहीं आया शादी पर। क्या
तुम सोई नहीं अभी तक? सोई रही हूँ, फेरा तो ना दे। डेविड, डेविड उठो। क्या क्या मुसीबत है? क्या मतलब क्या मुसीबत है? उनको कॉल करो, पर मैं पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी और तुम्हें पता है कि जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। यार तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, सुबह सुबह उठा दिया तो वो भी इसलिए कि तुम चाहते हो कि मैं सजाद और आतिफ को फोन करूं। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और तुम कह रहे हो कि सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं, उन्हें कॉल करो। सुबह सुबह यहाँ कोई नहीं उठा होता और मैं भी 10 बजे से पहले मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा। 10 बजे? 10 बजे उठने वाली कौन क्या तरक्की करेगी? तो वो लड़कों को कॉल करो वरना। ओके ओके ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ और मैं उनसे ना अपने तरीके से बात करूँगा। तुम बीच में और बोल रहा और ये ड्रेस चेंज कर लो। क्या मतलब? मतलब ये कि कनीस फातिमा बस घर में ना ये लिबास नहीं चल रहा। शीश शुरुआत तो नहीं पहनो जैसे बाकी बस जो औरतें पहनती। सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगी? माननी पड़ेगी, शोहर हूं तुम्हें। तुम प्लीज अपने लिबास की फिक्र करो, मैं वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ, समझे? और बाय द वे, तुम तो मेरे शौहर बनना ही नहीं चाहते थे, तो फिर अपनी पसंद और नापसंद मुझ पर क्यों इम्पोज कर रहे हो? एक्चुअली नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ तुम्हारी वजह से। जैसा कह रहा हूँ रोब और जबरदस्ती से तुम मुझसे कुछ नहीं मंगवा सकते। हाँ, तुम्हारी बात की वैल्यू करूंगी अगर शायद कभी तुम मुझे अच्छे लगे तब। ठीक है, मत मानो मेरी बात, फिर मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं क्यों तुम्हारी वैसे अपने दोस्त के खराब तब। ओके तो है ना, फिर मैं चली जाती पुलिस स्टेशन। अच्छा ओके ओके चार चारों जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी चाय। जीती रहो जीती रहो। भाई वाह, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। अस्पताल जाने? थाने जाना। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि वो सज्जाद और आतिफ ने कनीस फातिमा की चीजें चुराई। लो कहेगी रात में किम सच्ची लगने लगी। अरे बेटा कुछ तो ख्याल करो, बरसों की ताल्लुकदारी है हमारी उनके साथ। बहू तुम खामोश रहो, बेचारा उसकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। अच्छा देखो, कनीस फातिमा का शक दूर करना बहुत जरूरी है, इसलिए सजाद और आतिफ को फोन करके मिला लो। जी। और क्या कर रहे हैं अब्बा जी? मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ कर कर रहा हूं। अगर वो लड़की थाने चली गई एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा। तू फोन करो बेटा।
चलो जी, पहले बहन भाई छूटे, हम मोहल्लेदार भी छूटेंगे इस लड़की की वजह से। अच्छा तुम जाओ, जाकर अपने मियाँ की खैर खबर लो। जी वैसे दादाजी, नवीद अंकल को कनीस फातिमा को बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। इस बात का भी काफ़ी गुस्सा है उसे। खैर आपको नवीद अंकल का फ़ोन आया? नहीं, मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया उसका। खैर तुम सजाद और आतिल को बुलाओ, मैं खुद पूछूंगा उन बच्चों से। जी ठीक है दादाजी। तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कमरे में जाओगी बेटा तो मिल जाएगा।